रेलवे हॉस्पिटल नरसिंहपुर में वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया गया, जिसमें डॉक्टर आर कुरे ने रेल्वे कर्मचारियों का एनुअल वेलनेस हेल्थ चेकअप भी किया, जिसमें रेलवे कर्मचारियों के साथ इंजीनियर विभाग, आरपीएफ स्टाफ एवं वेडिंग अटेंडेंट्स का भी हेल्थ चेकअप किया गया। और रेलवे कर्मचारियों को बताया गया कि आज विश्व भर में टीबी रोग के प्रति एक जागरूक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें टीबी से होने वाली मौतों को कम करने के लिए यह जागरूक अभियान पूरे देश में एक साथ चलाया जा रहा है। आज के परिवेश में टीबी का रोग फेफड़ों को नुकसान कर रहा है। जिसे टीबी हो जाती है उसके लक्षण इस प्रकार हैं: रात को बुखार आना, पसीना आना, घबराहट होना, सांस फूलना और कमजोरी आना, भूख कम लगना और लगातार वजन कम होना, जिससे मरीज काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, जिसे इलाज द्वारा पूर्ण तरीके से ठीक किया जा सकता है। देश के सभी सरकारी अस्पताल में टीबी की मुफ्त जांच एवं इलाज किया जा रहा है। टीबी के सबसे मुख्य जो लक्षण होता है, ये इनको खांसी का सबसे मेन लक्षण है, खांसी आता है। खांसी के अलावा इनको खास करके नाइट को फीवर आ जाना, पसीना आकर के फीवर आना और उसको सांस फूलना, मतलब दम फूलना। इसके अलावा उसके हाथ पैर में गर्म महसूस होना और उसको एक्यूट वीकनेस यानी कमजोरी महसूस होना, तो ये सारे लक्षण है टीबी के होता है, जिससे हम उसको, और कभी भी बलगमी खून आ जाना। तो हम इसको जांच के लिए एक थूक की जांच होता है, स्पटम टेस्ट होता है उसको एक्सरे के द्वारा, और एक पीसीआर जो टेस्ट होता है, टीबी फॉर गोल्ड टेस्ट होता है, इंटरफेरन टेस्ट बोलते हैं, ये द्वारा कन्फर्मेशन कर लेते हैं कि कौन सी और किस प्रकार का टीबी है। खास करके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया के द्वारा ये टीबी ज़्यादातर पाया जाता है, जिसका इलाज 100% है। और हमारे इंडिया में अगर मौतें पहले से काफ़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी ये न्यूट्रिशन डिफिशेंसी की वजह से अभी भी गांव इलाकों में ज़्यादातर हो जाता है। इसलिए मेरा सलाह है कि न्यूट्रिशन पर प्रॉपर ध्यान दें, और ख़ास करके जो गरीब लोग हैं वो बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रेट करें, आंगनबाड़ी में जो न्यूट्रिशन दिया जाता है उसको बिल्कुल फॉलो करें, ताकि टीबी किसी भी कंडीशन में आगे न बढ़ पाए और बल्कि 0% हो और हमारा देश स्वस्थ रहे। थैंक यू।